पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक, भाजपा में मचा बवाल। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रोड शो के दौरान एक लड़का पीएम मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसके हाथ में एक माला थी। जिस वक्त ये वाक्या हुआ उस दौरान पीएम मोदी की कार का दरवाजा खुला हुआ था और वह जनता का अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को पीएम के पास पहुंचते ही पकड़ लिया और पीछे की ओर धकेल दिया। बता दें कि पीएम मोदी कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने हुबली में रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा ये सुरक्षा में चूक नहीं है। सूत्रों के हवाले से पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जहां से वह लड़का आया था उस बाड़े में सभी लोगों की एसपीजी द्वारा ठीक से तलाशी ली गई थी और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ठीक से चेक किया गया था। यह कोई गंभीर चूक नहीं है। लड़के की उम्र 11 साल है। वो उत्साह में आकर दो बैरिकेड के बीच में से निकलकर पीएम तक पहुंच गया था। बैरिकेड्स को बांधा गया था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रेशर के चलते एक जगह पर दो बैरिकेड्स में बीच में जगह बन गई, यानी बैरिकेड से बंधी रस्सी खुल गई और वहीं से ये लड़का पीएम के पास तक पहुंच गया। प्रोटोकॉल के तहत रिपोर्ट तैयार कर एसपीजी को सौंपी जाएगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।